मुआशरे की इस्लाह में नौजवानों का किरदार, इस उन्वान पर लपकुशाई करने के लिए दावत सुखन देता हूँ फलियतफद्दल मशकूरा फदीलतु शेख अब्दुल हसीब उमरी मदनी हफीदहुल्ला। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। मोहतरम सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल जलाल हर किस्म की तारीफ़ और हमदो सना का अकेला मुस्तहिक है जिसने आज हम और आपको ये मजलिस सजाने और इसमें शरीक होकर दीन की कुछ बातें सुनने सुनाने का मौका अता फरमाया है। यह महज उसी की तौफीक है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की तालीमात को हम सुनने सुनाने के लिए करीब और दूर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हाज़रीन गिरामी, ये जो इज्तिमा है इस्लाहे मुआशरा या इस्लामी मुआशरे के उन्वान के तहत मुनाकिद हो रहा है और मुझे उन्वान दिया गया है कि मुआशरे की इस्लाह में या मुआशरे के सुधार में नौजवानों का किरदार क्या है, मैं इसको वाज़े करूँ। मैंने आप हजरात और ख़वातीन के सामने सूरह असर की तिलावत की। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई और इस हकीकत का तज़किरा किया कि तमाम इंसान खसारे में हैं सिवाय उनके जो चार बातें अपने अंदर पैदा कर सकें, ईमान लाएं, अमल सालेह करें, हक बात की तलकीन करें, एक दूसरे को हक बात बताने का एहतमाम करें और चौथी बात एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने वाले हो जाएं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है वो ये है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को वही हासिल कर पाएगा जो ये चार काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करेगा। जो आदमी ये काम न कर सके वो अपनी आखिरत में नाकाम है, अपनी आखिरत में नामुराद है, वो आखिरत में खसारा उठाने वाला है। ये बात अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में बयान फरमाई। आयत का सीधा पैगाम, सूरत का सीधा पैगाम ये है कि अल्लाह तबारक व ताला के पास कामयाब होने के लिए ईमान, अमल सालेह, लोगों के अंदर हक बात को फैलाने की फिक्र करना और इन सभी मामलात के अंदर सब्र करना, डटे रहना, जमे रहना, यही अल्लाह ताला के पास कामयाबी का रास्ता है। हाज़रीन गिरामी, मैं आज आपके सामने जो बात, नई बात यूं समझिए बताना चाहता हूं, वो ये कि याद रखें इस सूरत में अल्लाह ताला ने आखिरत में कामयाबी का जो मेयार रखा है यही मेयार है इस दुनिया में मुआशरे को भी सालेह बनाने का। हम और आप अगर एक नौजवान की हैसियत ही से नहीं, हम उम्र के किसी भी हिस्से में हों,
आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो ईमान, अमल साले और हक बात को सिखाने वाले बनना हमारे लिए ज़रूरी है, और सब्र और साबित कदमी के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाना ज़रूरी है। आप यकीन करें, मुआशरे को सुधारने, मुआशरे को सालेह बनाने के लिए भी इन्हीं बुनियादों पे हम और आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये जो खसारे से निकलने की बात है, ये आखिरत के खसारे से निकलने का भी रास्ता है, और इस आयतों में जिस खसारे की बात की गई है यही रास्ता इस दुनिया के अंदर भी एक नुकसान उठाने वाले मुआशरे से निकल कर एक सालेह और इस्लामी मुआशरे को तशकील देने की बुनियादें भी अल्लाह ताला ने इसी सूरत में रखी हैं। मैं जो पैगाम आपको देना चाहता हूँ वो क्या है, बुनियादी तौर पर आप ये बात जान लें, मुआशरे के सुधार के लिए आपको किसी बहुत बड़े इनकलाब का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी बहुत बड़े इनकलाब का हिस्सा बनने बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस कदर ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप सबसे पहले अपने आप को एक अच्छा अल्लाह ताला का बंदा बनाने की कोशिश करें। आप और मैं जानते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई, रोज़े क़ियामत अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के खुश नसीबों को अर्श के साए तले जगह देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वशाबु नशा फी इबादतिल्लाह, खुशकिस्मत इन 7 किस्म के लोगों में वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह ताला की बंदगी में गुजरी होगी, जो परवान चढ़ा होगा तो अल्लाह ताला की बंदगी में परवान चढ़ा होगा। इस हदीस के टुकड़े को हम और आप अपने सामने रखेंगे, हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम का ये सिखाया हुआ नुस्खा मिल जाएगा कि किसी समाज को सालेह बनाने के सिलसिले में एक नौजवान अगर पूछता है कि इस्लाम मुझ पर क्या जिम्मेदारी आयद करता है, तो इन 2 आयत और इस हदीस की रोशनी में सिर्फ ये कहता है, तुम अल्लाह के अच्छे बंदे बन जाओ, तुम अल्लाह ताला के अच्छे बंदे बनाने की फ़िक्र में लग जाओ, तुम खुद अच्छे बंदे बन जाओ और अपने साथ के मुसलमानों को अल्लाह ताला का अच्छा बंदा बनाने की फ़िक्र में लग जाओ, और मुसलमानों से आगे यहाँ के गैर मुस्लिमों को भी अल्लाह का बंदा बनाने की फ़िक्र में लग जाओ, यहीं से तुम्हारी आखिरत की कामयाबी का दरवाज़ा भी खुलेगा, यहीं से एक सालेह मुआशरे को तशकील देने के बाब में तुम अपनी ज़िम्मेदारी को भी अदा कर पाओगे। हाज़िरीन गिरामी, मालूम ये हुआ कि हम और आप अगर आसान अल्फाज में ये समझना चाहते हैं कि एक नौजवान को मुआशरे को बदलने के लिए, मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाने के लिए, मुआशरे को एक सालेह मुआशरा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कुरान की आयत और ये हदीस बताती है, बंदे को अल्लाह का बंदा बन जाना चाहिए, बंदे को अल्लाह ताला की बंदगी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और अल्लाह की बंदगी ही में खुद को और पूरे समाज को रंगने की कोशिश करनी चाहिए। बंदगी में जितना हमारा कमाल होगा, मुआशरा उस कदर ज़्यादा सालेह होगा, और रोज़े क़ियामत हम उतने ही ज़्यादा अल्लाह ताला के बंदे बनते चले जाएँगे। ये मुख्तसर और जामे खुलासा है जो मैं इब्तिदा ही में आपको दे देता हूँ, लेकिन चलिए ज़रा तफसील के साथ हम गुफ्तगू करते हैं। हम अगर अपने समाज और मुआशरे को सुधारना चाहते हैं, बहैसियत नौजवान हम सुधारना चाहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा? भाइयों, मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं, आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक काम ये कि आपको सालेह बनना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद को संवारना पड़ेगा, खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को बनाना पड़ेगा, खुद को अल्लाह ताला की बंदगी से जोड़ना पड़ेगा, खुद को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पैरोकार बनाना होगा। सबसे पहले अपने आप पर मेहनत करनी होगी, और अपने साथ, अपने बाद समाज के दूसरे लोगों पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको मुस्लिह बनना पड़ेगा। एक नौजवान का मुआशरे की तश्कील में, मुआशरे को इस्लामी या मुआशरे को एक सालेह मुआशरा बनाने में क्या किरदार है, अगर कोई पूछे, सादा अल्फाज में आप ये कहें, नौजवान सालेह बन जाए, नौजवान मुस्लिह बन जाए। जब वो सालेह और मुस्लिह बन जाएगा, अल्लाह के फ़ज़्लो करम से यकीन माने,
दुनिया के अंदर वो खुद बदल जाएगा, उसका समाज बदल जाएगा, उसका मुआशरा बदल जाएगा और दुनिया के अंदर वो इनकलाब भी आएगा जिस इनकलाब के नाम पे दुनिया जोर मचा रही है। भाइयों, मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। आज हमारा और आपका एक बहुत बड़ा मसला क्या है मालूम है? हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद खुद सालेह बने बिना दुनिया की के हक में मुसलेह बनना चाहती। हम सुधरना नहीं चाहते लेकिन दुनिया को सुधारना चाहते हैं। मान ले मेरी ही बात आप रख लें, मैं अगर इस फिक्र में लग जाऊं कि आप सुधर जाएं, मैं तकरीर करता रहूं, मैं बोलता रहूं, मैं आपको समझाता रहूं, मैं पढ़ाता रहूं, बताता रहूं, लेकिन मैं खुद अगर नेक बनने की फिक्र ना करूं, दुनिया में कभी कोई इनकलाब नहीं आएगा, दुनिया में कभी कोई इस्लाह नहीं होगी, दुनिया का कोई मुआशरा नहीं बदलेगा। याद रखो अल्लाह के बंदो, आज हमारा मसला बहुत बड़ा मसला ये, हम सालेह बनने के लिए तैयार नहीं। मुसलेह हम में से हर कोई बनना चाहता है, हम में से हर कोई दाई बनना चाहता है, हम में से हर कोई मुबल्लिग बनना चाहता है, लेकिन हम में से कितने हैं जो सबसे पहले अपने आप को एक अच्छा मुसलमान, एक कामिल मोमिन बनाना चाहते हैं? ऐसे मुसलमान कितने हैं? याद रखो, देखो पहली बात याद रखो, दूसरों की इस्लाह मेरे और आपके इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद उसकी इस्लाह उसके इख्तियार में, अल्लाह की मर्जी और इजाजत के बाद उसकी इस्लाह उसके हाथ में है। मैं चाहे जितना जोर लगा लूं उसको नहीं सुधार सकता, लेकिन अल्लाह की मर्जी के बाद मेरी अपनी इस्लाह मेरे अपने इख्तियार में। हम वो नादान हैं जहां इख्तियार चल सकता है वहां चलाना नहीं चाहते, और जहां इख्तियार चल नहीं सकता वहां हम इनकलाब लाने की फिक्र में लगे हुए। भाइयों, ये मसला याद रखो कि सबसे पहले हमें सालेह बनने की जरूरत है, उसके बाद जाकर हमें मुसलेह बनने की जरूरत। हम पहले खुद सुधर जाएं, उसके बाद दूसरों को सुधारने की कोशिश करें, एक बात ये। और दूसरी बात ये भी याद रखो, देखो समाज और मुआशरे को अगर हम और आप कहेंगे तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, वो मुझे बोलता रहेगा, मैं उसको बोलता रहूंगा, आप मुझसे कहते रहेंगे, मैं आपसे कहता रहूंगा, लेकिन सुधरेंगे ना आप ना मैं। उसके मुकाबले में मैं अगर अपनी जगह पे सुधर जाऊं, मैं अपनी जगह पे अपने आप को संभाल ले जाऊं, तो क्या होगा? मेरा अपना सुधरना, मेरा अपना संवरना, मेरा अपने आप को संभाल लेना बिल्कुल मेरे जैसे एक हर एक आदमी का अपने आप को सुधारना संवारना समाज के अंदर इस्लाह का आगाज बन जाएगा। और आप जानते हैं जब इमारत पक्की ईंटों से बनती है, दीवार भी बड़ी मजबूत खड़ी होती है, इमारत भी बड़ी मजबूत हुआ करती है। हमारा मसला यह है, हम कच्ची ईंटों से इमारत बनाना चाहते हैं और इस्लाम की इमारत को ऐसे कच्चे नौजवानों के कंधों पे हम कायम करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, हम में से हर आदमी अपने आप को अपनी जगह पे सुधारने की कोशिश करे, यह सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। सुधार किस में होना चाहिए? अगर हम सबसे पहले खुद को सुधारने की बात करें तो सुधार किस में होना चाहिए? सबसे पहले नंबर पर बात आती है अकीदे की। मुझसे पहले आपके सामने दुक्तूर ने बड़ी बातें, बड़ी शानदार बातें आपके सामने अकीदे की इस्लाह, अकीदे की इस्लाह की अहमियत और ज़रूरत पर रखी। आप ये बात याद रखें, इस अकीदे की इस्लाह के मिशन को सबसे ज़्यादा अगर कोई संवार सकते हैं तो वह आप नौजवान हैं। आज इसका अफसोस है कि हमारे अपने नौजवान रिफाही खिदमात में काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं है, हमारे अपने नौजवान तालीमी मैदान में काम करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं, हमारे अपने नौजवान गैर मुस्लिम तक इस्लाम पहुँचा कर उसे इस्लाम की तरफ लाना चाहते हैं, गलत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह के बंदो, एक मसला याद रखना, इस मुल्क की तारीख इस बात पर गवाह है कि अकीदे की इस्लाह का बेड़ा उठाया था तो अहले हदीसों ने सबसे ज़्यादा इसमें अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली थी। आज हमारे अपने अहले हदीस नौजवानों की तवज्जो अकीदे की इस्लाह की तरफ ना होने के बराबर है। आज दूसरी तंजीमों, जमातों, तहरीकों की देखा देखी, हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम सियासत में करना चाहते हैं, हर कौम कौम की तालीम पे मेहनत करना चाहते हैं, हम इस्लाह मुआशरा पे काम करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो गलत नहीं, आप उस पर बिल्कुल काम कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, वो काम आपके अलावा दूसरे भी करते हैं और आप दूसरों के बराबर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन अकीदे का काम तो आप किया करते थे, अगर आप भी ये काम करना छोड़ देंगे तो फिर कौन करेगा?
समाज में अकीदे की इसलाह का मसला सबसे पहले आना चाहिए। नौजवान अपने आप के अकीदों पे मेहनत करें। आज आप देख लो हमने क्या मेहनत की। आज आपके आप अपने नौजवान सबसे पहले आप देख लो, आपके दुकान में, आपके मकान में, आपके गले में, आपके हाथों में, आपके पहानी तावीज कितने हैं, कितने से ज्यादा आपके यहाँ तावीज लटके हैं, तावीज गंडे, पता नहीं कितनी गलाजतें शिर्क और कुफर की आप बसाए हुए। इनसे खुद पाक होकर अपने साथी नौजवानों के अंदर से इसको पाक करने की जिम्मेदारी आपकी है। इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने आप से पूछें, आखिरी बार ऐसे कब हुआ था जब आपने किसी नौजवान के गले के तावीज को पकड़ के बताया था कि ये जो तुम पहने हो अल्लाह पर जो ईमान अकीदा होना चाहिए, एक धागे पे तेरा ईमान अकीदा आ अटका है, निकाल दे, उतार दे, हटा दे, इसकी गुलामी से निकलकर अल्लाह की गुलामी में आ जा। ये पैगाम आपने आखिरी बार कब दिया था? आप अपने आप से पूछिए। ये पैगाम तो आपको सुबह शाम सुनाना है, ये तौहीद की बात तो आपको हर हाल में सुनाना है, हर जगह सुनानी, हर इंसान को सुना दे। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद का पैगाम नौजवानों सिखाओ सुझाओ। गली में झंडे, डंडे, मजार, आस्ताने, फकीर, बाबा, आमिल, कामिल, कौन कौन इन मुसलमानों के अकीदे के पीछे पड़ा है। आप भी अगर अकीदे की इस्लाह पे मेहनत नहीं करेंगे, खुद के अकीदे को संवार कर दूसरों के अकीदे को नहीं सुधारेंगे संवारेंगे, आप बताओ उम्मत के अकीदे की इस्लाह कैसे हो पाएगी? सुधार ये है। मैं एक बात कहूं आपको, इस्लाह मुआशरा के नाम पे बात होती है, लोग शराब नोशी के खिलाफ बात करते हैं, जुए के खिलाफ बात करते हैं, रस्म व रिवाज के खिलाफ बात करते हैं, बहुत सारी खराबियों के खिलाफ बात करते हैं, सूदखोरी के खिलाफ बात करते हैं। यकीनन होनी चाहिए, मुआशरे को इन सब चीजों से पाक होना चाहिए। लेकिन अल्लाह के बंदो याद रखो, इन सब से ज्यादा बड़ी पाकी यह है, ये बदअकीदगी से पाक होनी चाहिए, शिर्क से पाक होनी चाहिए, बिदात से पाक होनी चाहिए, खुराफात से पाक होनी चाहिए। ये इस्लाह का सबसे पहला दर्जा है जिस पर आपको मेहनत करनी चाहिए। वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊं, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि इस मुआशरे को सुधारने संवारने में आपका किरदार क्या है। आप समझा सकते हैं समझाओ, नहीं समझा सकते मोटी मोटी बात बता दो, कहो कि ये शिर्क है, ये जायज नहीं, पकड़कर मौलाना के पास लाओ, सामने नहीं आ सकते फोन पे बात करा दो, लेकिन बताओ दुनिया वालों को कि तौहीद का मतलब क्या है और अल्लाह से जुड़ने का मतलब क्या है, ये लोगों को सिखाओ पढ़ाओ। ये इस्लाह का सबसे पहला कदम है अल्लाह के बंदो। दूसरे नंबर पर जो बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये कि इस्लाह में सबसे पहले अकीदे के बाद अगर कोई चीज आती है, इबादतों में अपनी इस्लाह की फिक्र करो, इबादतों में अपनी इस्लाह की फिक्र करो, बिलखसूस पंज वक्ता नमाज बाजमात मर्दों के लिए और पंज वक्ता नमाज अपने वक्त में अव्वले वक्त में औरतों के लिए। इस नमाज की हिफाजत करो अल्लाह के बंदो। आप यकीन करो हाफिज़ो अलस्सलावात, आप नमाजों की हिफाजत करेंगे आप अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के नबी ने फरमाया इहफ़िज़ुल्लाह यहफ़िज़ुक, अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत करेगा। मैं तफसील में गए बगैर आपके सामने ये बताना चाहता हूँ, अहले इल्म ने लिखा ये पंज वक्ता नमाजें जो अल्लाह ताला ने फर्ज करार दी हैं, मर्द हो तो मस्जिद में हाजिरी के साथ, औरत हो तो मस्जिद में आकर या आए बगैर अपनी जगह पर, ये जो नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, कहा यह अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। कहा नेमत क्यों? नेमत ये कहा जो आदमी नमाजों की हिफाजत कर लेता है, ये नमाज आदमी के दीन की हिफाजत कर लेती है। अल्लाह ताला फजर में उठा के आपके दिन का आगाज अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ कर करवाता है और नमाज ईशा में आपको नमाज पढ़ाकर आपके दिन का इख्तिताम अल्लाह के ताल्लुक पर ख़त्म करता है, इख्तिताम करवाता है। और दिन में तीन मरतबा बुलाकर दुनिया में चलने वाले, फिरने वाले, जीने वाले, उठने बैठने वाले, कहीं ये दुनिया, दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया के फितने, दुनिया की ये सारी चीज़ें कहीं तुम्हें तुम्हारे मकसद ज़िंदगी से गाफिल ना कर दें। तीन तीन मरतबा दिन में बुलाकर नमाज पढ़ाकर आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद याद दिलाती। अल्लाह के बंदो इस नमाज की हिफाजत करो कि यहीं से तुम्हारी मेरी असल दीनदारी शुरू होती है। सुभान अल्लाह, सलफ़ सालिहीन में से बाज़ ये कहा करते थे, तुम अगर ये देखना चाहते हो कि अल्लाह ताला से तुम्हारी मोहब्बत कितनी है, तो तुम ये देख लेने का तुम ये देख लेना कि नमाज से तुम्हारा रिश्ता कितना है।
हम नमाज की पाबंदी ना करें लेकिन दावा अल्लाह की मोहब्बत का करें, यह दावा सच्चा नहीं है। नमाज से मेरा और आपका ताल्लुक जितना कमजोर होगा, यकीन मानो उतना ही ज्यादा हमारी और आपकी अल्लाह ताला की मोहब्बत में कमजोरी होगी। और हम जिस कदर ज्यादा नमाज से रिश्ता मजबूत रखेंगे, उसी कदर ज्यादा अल्लाह से मेरा और आपका ताल्लुक मजबूत होगा। जब मैं नमाजी होऊंगा, मेरा घर नमाजी होगा, मेरे दोस्त अहबाब नमाजी होंगे, मैं खुद नमाजी होकर अपने साथियों को नमाजी बनाऊंगा। यह नमाज मेरे दीन और ईमान की हिफाजत करने का सबब बनेगी, यह नमाज मेरे समाज के दीन और ईमान की हिफाजत करने का सबब बनेगी। नमाज की हिफाजत करो अल्लाह के बंदो। क्यों नहीं आप बताओ? नमाज वो मौका है जब बंदा अल्लाह ताला से हम कलाम होता है, जब बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बंदा कहता है, अल्लाह कहता है हमीदनी अब्दी, बंदा ने बंदे ने मेरी तारीफ की। अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, एक एक आयत पर अल्लाह ताला भी जवाब देता जाता है। मेरे भाइयों, इस नमाज की फिक्र हम और आप करें, इस्लाह का ये तरीका। आप यकीन करो, आप नमाज छोड़कर चाहे जितनी खिदमत कर लो, नमाज से जितनी बड़ी तब्दीली मेरे और आपके अंदर आएगी, कोई और तब्दीली मेरे और आपके अंदर नहीं आती। मैं आपको बताऊं, हमारे और आपके समाज का एक बहुत बड़ा मसला है हमारे और आपके नौजवानों की बेराह रवी, अखलाकी बिगाड़, हमारे और आपके समाज के अंदर ख्वाहिशात की गुलामी, ख्वाहिशात की पैरवी। आप ये बात देखें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दो अलग अलग मुकामात पे एक बड़ी प्यारी बात, बड़ी अहम बात बताई। एक तो अल्लाह ने यह फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है, यानी गुनाह की बातों से रोकती है। और दूसरी बात अल्लाह ने बयान फरमाई फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउ सलात वत्तबउ शहवात, अल्लाह ने फरमाया फिर ऐसे लोग जानशीन हुए जिन्होंने नमाजों को ज़ाय किया और ख्वाहिशात की पैरवी में लग गए। शारहीन में से कई अहले इल्म ने जिक्र किया कि ख्वाहिशात की गुलामी और नमाज में बड़ा गहरा रिश्ता है। बंदा जिस कदर ज़्यादा ख्वाहिशात का गुलाम होता है, उसी कदर ज़्यादा अल्लाह की गुलामी से आज़ाद हो जाता है, और जब अल्लाह की गुलामी से आज़ाद हो जाता है, नमाज उस पर भारी होने लगती है, नमाज मुश्किल होने लगती है, नमाज बोझल होने लगती है, उसके ऊपर एक बोझ होने लगती है, आदमी बोझल होने लगता है, नमाज उसे एक पहाड़ लगने लगती है। और बंदा ख्वाहिशात की गुलामी से जिस कदर ज्यादा आज़ाद होता है, अल्लाह तबारक व तआला का उतना ही अच्छा गुलाम, उतना ही अच्छा बंदा बनता जाता है, और उस बंदे की बंदगी की कैफियत में भी फ़र्क आने लगता है। भाइयों, इस मसले को आज आप ये समझ कर जाओ, आपको अगर लगता है कि ख्वाहिशात का से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, नमाजों की पाबंदी कर लो, आपकी नमाजें आपकी ख्वाहिशात की गुलामी से आपको बाहर निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। आप नमाजों की हिफाजत कर लो, आपके अंदर चाहे किसी भी किस्म की ख्वाहिश की गुलामी हो, अल्लाह के फजल व करम से ये नमाजें रफ्ता रफ्ता आपको उससे आज़ाद कर लेंगी, उससे पीछा छुड़ा देंगी। अपनी नमाजों की फिक्र करो, और जब नमाजों की फिक्र कर लेंगे ना, तो फिर बकिया जितनी इबादतें हैं, इन इबादतों पर भी आप यानी होते होते पाबंद होना शुरू हो जाएंगे। नमाज की सबसे ज़्यादा हिफाजत करने की कोशिश करो। तीसरे नंबर पे मैं कहना चाहूँगा, अकीदे और इबादत के बाद तीसरी चीज़ आती है, अपने ज़ाती अखलाक को दुरुस्त करो, ज़ाती अखलाक को दुरुस्त करो। तुम्हारी सोच मुसलमानों वाली होनी चाहिए, तुम्हारा मिजाज जाहिलों वाला नहीं होना चाहिए, ईमान वालों वाला ईमान मिजाज होना चाहिए। कैसे होगा? आपका दिल साफ होना चाहिए, सबके लिए साफ दिल रहो, आपके दिल में सबके लिए खैरखाही होनी चाहिए, आपके दिल में सबके लिए मोहब्बत होनी चाहिए, आपके दिल में सबके लिए नेक जज्बा होना चाहिए, सबकी भलाई चाहने का जज्बा होना चाहिए। जब आपका दिल साफ होगा, जब आपका दिल पाक होगा, और आप अपने दिल के अंदर सबके लिए भलाई का जज्बा रखेंगे, तो आप यकीन माने आपकी सारी शख्सियत बदल जाएगी। आपकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज भी बड़े मीठे होंगे, आपकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज के साथ आपके हाथ और पैर चाहे जो काम करें, ये सूरत हाल होगी कि आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं, आपकी हरकत और सकनात से किसी को तकलीफ़ नहीं, आपके वजूद से किसी को परेशानी नहीं, बल्कि आप जहाँ रहते हैं पूरे मुआशरे में आप मुआशरे के लिए रहमत बने रहते हैं। आपने सुना ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे ही थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ऐसे ही थे,
उनका दिल सारे मुसलमानों के लिए मिसाली दिल था कि सबके लिए, सारे इंसानों के लिए दिल पाक था, सारे मुआशरे के लिए फिक्रमंद रहा करते, सबके खैर का थे। क्या हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन मक्के के बाद शर पसंदों ने सताया, मक्का छोड़कर निकल गए, हबशा की सरहद पर पहुंचे कि आप अरब छोड़कर हबशा में दाखिल होना चाहते हैं। अरब के एक दूसरे सरदार से मुलाकात हो गई, वजह पूछी। अबू बकर ने कहा मेरी अपने कौम के बाज लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे, मुझे सता रहे, इसलिए मैं चाहता हूं अल्लाह की जमीन में कहीं निकल जाऊं, जाकर अल्लाह ताला की इबादत करूं। लेकिन मेरे भाइयों, जब बंदा अखलाक वाला होता है ना, जब बंदा साहिब अखलाक होता है, उसका असर क्या होता है आप अंदाजा लगाओ। इब्न दुगुन्ना जो अरब का सरदार था, उसने कहा था कि या अबा बकर मिसलुका ला यखरुजु वला यखरज, ऐ अबू बकर तुम जैसा इंसान ना तो किसी समाज से निकल के जा सकता है, ना उसे कोई निकाल के बाहर कर सकता है। तुम्हारा वजूद तो समाज के लिए रहमत है, तुम्हारा वजूद तो समाज के लिए नेमत है, तुम्हारा रहना तो समाज के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है। अल्लाह के बंदो, अखलाक सुधार लो, आपकी अपनी जिंदगी सुकून से भर जाएगी। अखलाक सुधार लो, आपका आपका घर एक यूं समझिए कि सुकून का गहवारा बन जाएगा। अखलाक सुधार लो, आपका मुआशरा मिसाली मुआशरा बन जाएगा। और इतना ही नहीं, आपके अखलाक को देखकर आपका दुश्मन भी किसी वजह से दुश्मनी करे तो करे, लेकिन पीठ पीछे आपकी तारीफ करने पर मजबूर होगा। जिस तरह मक्का के मुशरिक नबी की दावत से इख्तिलाफ रखते थे, लेकिन अल्लाह के नबी की शख्सियत को पसंद करते थे, अल्लाह के नबी के पैगाम को कबूल करने तैयार नहीं थे, लेकिन अल्लाह के नबी की शख्सियत से उन्हें मोहब्बत थी, वो अल्लाह के नबी को पसंद करते थे और मिसाल देते थे कि आदमी वाकई काम का है। मेरे भाइयों, मैं बात यह कहना चाहता हूं, मुआशरे का सुधार ऐसे होता है कि आप अपने अखलाक सुधारें। और चौथे नंबर पे मैं कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें, और कोशिश नहीं बल्कि इसकी फिक्र करें कि हमारे मुआमलात इस्लामी शरीयत के आयनादार होना चाहिए। अमानतदारी, सच्चाई, धोखाधड़ी से परहेज़, जुल्म ना करना, बात जबान देने के बाद जबान की लाज रख लेना, लोगों के साथ मुआमला करते हुए अपने भले के साथ लोगों का मुआमला करना। अल्लाह के बंदो, हमारे मुआमलात हमारे दीन के तर्जमान हुआ करते हैं। आप कारीगर हैं, वादा करते हैं मैं फला चीज तैयार करके, घड़ी दुरुस्त करके शाम में देता हूं, शाम में अगर आप नहीं दे रहे, आप यकीन करो ये गलत मिसाल दुनिया के सामने आप कायम कर रहे हैं। आप मोबाइल का ठीक करने वाले, सुबह देने का वादा, सुबह आप नहीं देते हैं, आप ये गलत पैगाम दुनिया वालों को दे रहे हैं। आप पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं और वक्त पर अदा नहीं करते, आप इस्लाम की गलत तर्जमानी कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के लिए अपने आप को सुधारो, अपने मुआमलात को सुधारो कि आपके मेरे मुआमलात असल में इस्लाम की तबलीग। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दअ इला अल्लाह व अमिला सालिहा व काल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ये कहो जिस पैगाम का मैं दाई हूं उसका नमूना मैं हूं, अपने आप को ऐसे बना के पेश करो। मेरे भाइयों, मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, करने के बहुत सारे काम हैं और उनके साथ साथ बचने की भी बहुत सारी बातें। शिर्क से बचो, बिदात से बचो, मुआशरे की इस्लाह के लिए शिर्क और बिदात दोनों का पाक होना जरूरी। जिस समाज में शिर्क होता है उस समाज का रिश्ता अल्लाह से कमजोर होता है, आप ये बात याद रखना। जिस समाज में शिर्क होता है उस समाज का रिश्ता अल्लाह ताला से कट जाता है या इंतहाई कमजोर हो जाता है, और जिस समाज में बिदात होती है उस समाज का रिश्ता रसूल से और सुन्नत रसूल से कट जाता है। याद रखो अल्लाह के बंदो, ये जो हम शिर्क और बिदात के खिलाफ इतना बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आपकी मेरी जिंदगी में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कहीं से शिर्क आया, जितना शिर्क आया हम अल्लाह से उतने कट गए, जितनी बिदात आई उतनी रसूलुल्लाह की शरीयत और उनके दीन से हम कट गए, उसी कदर ज्यादा नबी की सुन्नत से कट गए, नबी की तालीमात से कट गए। इसलिए शिर्क बिदात के खिलाफ लड़ो। और भाइयों, बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करो। सूद, यकीन मानो ये सूद बहुत बड़ा नासूर है, बेबरकती है इसके अंदर, नहुसत है, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं सूद के जरिए। वो जो आपको दिखता है कि बड़ी आसानी से कर्ज हाथ में मिल गया, बड़ी आसानी से पैसा मिला, सरमाया बनाकर मैंने कारोबार कायम कर लिया, ये वो अधूरी निगाह है जो मेरी और आपकी है।
हम जो देखते हैं सूद उसके बाद का मसला है, यानी सूद की खराबी असल में उसके बाद समझ में आती है। इसलिए अल्लाह के बंदो, सूद से बचो, शराब नोशी से बचो, नशाखोरी से बचो, और अपने आप को नहीं पूरे समाज को बचाने की कोशिश करो, और ख़ास तौर पे जिना और बदकारी से बचने की कोशिश करो। वक्त ज़्यादा नहीं, मेरे पास बचे हुए चंद मिनट में दो तीन बड़ी अहम बातें कहना चाहूँगा। जो बातें मैंने अब तक कही वह मर्दों और औरतों सबके लिए हैं, लेकिन दो बातें खास आपसे मैं कहना चाहता हूं। मेरी माँ और बहनों, हमने नौजवानों के सुधार के लिए सारी बातें की, इसमें हमारी मजबूरी यह है कि हमारे नौजवान बिगड़ गए हैं फिर हम उनको सुधारने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक मसला याद रखना, आप अगर सुधर गई ना तो हमें नौजवानों को सुधारने की बात करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। क्यों? इसलिए कि आपकी गोद में उसकी सही तरबियत हो जाएगी। वो नौजवान जवानी में कदम रखेगा तो दीनदार बनकर रखेगा, अल्लाह का बंदा बनकर रखेगा, नबी का सच्चा उम्मती बनकर कदम रखेगा। इसलिए ये मसला हमेशा याद रखो, आपको सबसे ज्यादा दीनदार बनने बनाने की जरूरत है, आपको सबसे ज्यादा अपने आप को दीनदार बनाने की फिक्र करने की जरूरत है। बिलखसूस दो खास बातें आपसे मैं कहता हूं। पहली बात, कुरान की एक बहुत बड़ी तालीम, वकर्न फी बुयूतिकुन, तुम अपने घरों में रुकी रहो, ठहरी रहो। मेरी माओ और बहनों, इसकी हिकमत क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में उसको अल्लाह के नबी ने बयान किया, औरत जब अपने घर से निकल जाती है तो औरत शैतान उसके पीछे लग जाता है। मेरी माओ और बहनों, तुम्हारा घर से निकलना तुम्हारे अपने दीन से निकलने का खतरा है। आप जरूरत के लिए यकीनन निकलें, हजरत सौदा वगैरह बाहर निकलती थी, हजरत उमर को पसंद नहीं था, बार बार टोकते थे, हजरत सौदा ने आकर अल्लाह के नबी से शिकायत कर दी, अल्लाह के नबी हम जब निकलती हैं उमर आकर हमें टोकने लगते हैं। अल्लाह के नबी रुके रहे, थोड़ी देर के बाद वही आई, अल्लाह के नबी ने कहा उज़िन लकुन्न अन तखरुजन लिहवाइजिकुन, तुम्हें इजाजत दी गई है कि तुम अपनी जरूरतों के लिए निकल कर जाओ। तुम्हें अल्लाह ने इजाजत दी है अपनी जरूरत, यानी जो काम घर से निकले बगैर नहीं हो सकते, जिन कामों के लिए निकलना जरूरी है उन कामों के लिए निकलो, आप निकल सकती हैं। लेकिन इस जरूरत से कम दर्जे के लिए और बिला जरूरत निकलकर घर से बाहर जाना, आप यकीन करो आपके अपने दीन और ईमान और समाज के बहुत सारे अफराद के दीन और ईमान के लिए बहुत बड़ा मसला। आज का दौर आज़ादी का दौर, आज़ाद ख्याली का दौर, आज़ादी का दौर, और लोगों के अंदर आज़ादी के नाम पर खुली छूट का दौर है। आप भी चाहें आप आज़ाद हो जा सकती हैं, लेकिन आपकी आज़ादी आज़ादी नहीं, अल्लाह ताला की बंदगी से आज़ादी, अल्लाह ताला की बंदगी से दूरी, अल्लाह ताला की तय करदा हद से आगे निकलने वाली बात है। अपना भला अगर आप चाहती हैं, ये पहली बात कि अपने आप को अपने घर में रोक कर रखो। आप और मैं अगर देखें सिर्फ इस एक मसले पर देख लो, अगर औरतें, समाज की औरतें बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें, ज़रूरत पर निकलने वाले भी ज़रूरत पूरी करके घर में वापस लौट आएं, समाजी सतह पर कितनी सारी बुराइयों पर रोक लगेगी। औरतें अपने दीन और ईमान की हिफाजत कर लेंगी, मर्द अपने दीन और ईमान की हिफाजत कर लेंगे, कितना बड़ा काम होगा हमारे समाज में। ये घरों से निकलने की जो आदत है इस पे काबू पाने की जरूरत है अगर हम इस्लाह मुआशरा चाहते हैं। और दूसरी बात मेरी माओ और बहनों, में यह कहना चाहूंगा कि इस्लामी शरीयत की नजर में पर्दा क्या है, पर्दा कैसे किया जाता है, किन किन बातों में पर्दा है, किन किन से पर्दा है, पर्दे में रहते हुए काम करने का सलीका क्या है, यह पर्दा आप सीखो। मेरी माओ और बहनों, एक बात आज आपको मैं बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पर्दा अल्लाह ताला की शरीयत का एक हुक्म है, लेकिन याद रखो ये सिर्फ एक शरीयत का एक हुक्म नहीं, ये पूरी की पूरी एक तहजीब, एक कल्चर की हिफाजत का जरिया। आप पर्दा अगर करती हैं, ये एक पर्दा आपकी बहुत सारी ही नेकियों की हिफाजत का सबब बन जाएगा। और अगर आपने पर्दे से हाथ धो लिया, आप पर्दे से सिर्फ आजाद नहीं होती, आप पूरी इस्लामी तहजीब, इस्लामी शरीयत के बहुत सारे अहकाम से आजाद हो जाते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे नौजवान भाई और मेरी नौजवान बहन, मेरे नौजवान भाई, अगर तुमने सही से दाढ़ी रख ली ना, अल्लाह के फजल व करम से यह दाढ़ी तुम्हारी बहुत सारी नेकियों की हिफाजत करने वाली बन जाएगी। और मेरी माओ और बहनों, आपने अगर सही से पर्दा करना सीख लिया, जिसे वाकई पर्दा कहा जाता है, आपका यह पर्दा आपके दीन और ईमान की हिफाजत का जरिया बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, हमारे अपने जानकारों में से एक नौजवान ने मुझे बताया,
दाढ़ी छोड़ ली, मैंने बहुत खुशी का इजहार किया माशाल्लाह दाढ़ी छोड़ ली, तो कहने लगे कि आप यकीन करें मौलाना, जैसे आप कहते थे जब से दाढ़ी छोड़ा हूँ बहुत सारी गलतियों से पहले खुद बाज आ गया हूँ। वो कह रहा है कि पहले मसला ये था, ऐसा भी हुआ है कि जुमा की नमाज का वक्त है, दाढ़ी नहीं छोड़ा हुआ था, पहचान में नहीं आता था कि मुसलमान हूँ कि गैर मुस्लिम, पहचान में नहीं आता था कि मुसलमान हूँ कि गैर मुस्लिम, तो ये भी नौबत आई है कि एक रास्ते के एक तरफ मैं थिएटर में बैठा हुआ फिल्म देख रहा हूँ और उधर दूसरी तरफ मस्जिद में जुमा की नमाज चल रही है, मुसलमान है। कह रहा दाढ़ी जब तक नहीं छोड़ी थी ये तक मेरी हालत थी, सिगरेट धड़ल्ले से पीता था, लेकिन जब से दाढ़ी छोड़ा हूँ, दाढ़ी को मैंने बढ़ा लिया है, उस वक्त से ये देखने ये सूरत हाल है, अब किसी थिएटर की तरफ जाते हुए शर्म आती है कि दाढ़ी रख के कैसे जाऊं, सिगरेट हाथ में लेके ले जाता हूं शर्म आती है दाढ़ी रख के सिगरेट कैसे पीऊं, कहा मेरी दाढ़ी दाढ़ी नहीं मेरे दीनों ईमान की हिफाजत का जरिया बन गई है। और मेरी माँ और बहनों, तुम पर्दा भी सच्चा पर्दा हकीकी पर्दा कर लो, देखो तुम्हारा पर्दा तुम्हारी दीनदारी की कैसे हिफाजत करने वाला बन जाएगा। और एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, देखो मेरा उनवान था कि इस्लाह मुआशरा में नौजवानों का किरदार, मैंने आपके सामने बात रखी खुद सालेह बनकर समाज के हक में मुसलेह बन जाओ, समाज को सुधारने वाले बन जाओ। देखो एक मसला याद रखो, हम सुधरे बगैर समाज को सुधारना चाहेंगे नहीं सुधरेगा ये समाज, लेकिन हम सुधर जाएंगे और सुधारेंगे तो इंशाअल्लाह सुधरेगा, और बसा औकात हमारे सुधरने पर वो भी सुधर जाएगा, हमारे बोले बिना भी वो सुधर सकता है। आपके दोस्तों के हलके में एक नमाजी बने, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा बनेगा, आप एक सूद छोड़ें आपके साथ आपके दोस्त छोड़ेंगे, मेरी बहनों आप पर्दा करो आपके साथ आपकी सहेलियां पर्दा करेंगी, चराग से चराग जलता है, ये दुनिया के चराग ही नहीं दीनों ईमान का जो चराग मेरे और आपके सीने में जलता है ना, अगर सच्चे दिल से हम अपने अंदर जलाएंगे हमारे ईमान की लौ उनके दिल के अंदर ईमान की लौ को बढ़ाएगी, ये इस्लाह मुआशरा का काम ऐसे ही होगा। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़कर एक बड़ी अहम बात आपको बताना चाहूँ। अल्लाह ने फरमाया والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, नज़दीकी हैं, करीबी हैं। यअमुरून بالمعروف وينهون عن المنكر, वो एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं। देखो भाइयों एक बात मैं आपको बताऊं, दूसरों की इस्लाह करने की कोशिश जब हम करते हैं ये इस्लाह की कोशिश हमें खुद नेक बने रहने में मदद देती है, हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं इस कोशिश में हम अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये मसला याद रखो, बड़ी अहम बात आपके सामने कह रहा हूँ कि हम अगर सुधर कर रहना चाहते, मैं अकेला सुधर जाऊँ ये मुश्किल है, बसा औकात नामुमकिन है, लेकिन अगर हम सुधरना चाहें आपस में मिलकर ये मुमकिन भी है और अल्लाह के फजल करम से आसान भी होता है। याद रखो हम खुद सुधर जाएं, मैं सुधर जाऊं, दुनिया में हो सकता है मैं अकेला कमा लूं, दुनिया ना कमाए शायद आप कमा लें, सुधरने के मामले में मैं सुधर जाऊं, दुनिया से कि मुझे कुछ गरज नहीं है नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दुनिया के सारे लोगों को लेके सुधरने की बात करेंगे अल्लाह के फजल करम से हम सुधर जाएंगे सवर जाएंगे। कैसे? देखो मैं इस आयत की रोशनी में ये बताता हूँ, हम में से हर इंसान, मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ, मैं रोजाना अपने तीन दुश्मनों से लड़ रहा होता हूँ, जब मैं अल्लाह की बंदगी करना चाहता हूँ कभी मेरा नफ्स मुझे बहकाना चाहता है, कभी दुनिया और दुनिया की रंगीनियां दुनिया के फितने मुझे बहकाना चाहते हैं, और कभी शैतान मुझे बहकाना चाहता है। बैक वक्त तीन तीन दुश्मनों से मैं लड़ रहा होता हूं जब मैं अल्लाह की बंदगी करना चाहता हूं, ऐसी सूरत में जब मेरा ईमान मजबूत होता है ना, इतना ताकतवर होता हूं कि तीनों को पछाड़ लेता हूं, शैतान भी हार जाता है, दुनिया के फितने भी हार जाते हैं और नफ्स के फितना अंगेजियां भी हार जाती हैं, लेकिन मैं इंसान हूं, मेरा ईमान जरा कमजोर जब पड़ता है ना तो ऐसा भी होता है कि कभी शैतान कामयाब हो जाता है, कभी दुनिया कामयाब हो जाती है, कभी मेरा नफ्स मेरे खिलाफ कामयाब हो जाता है। ऐसे मौके पे मेरा ईमान जब कमजोर पड़ रहा हो ना, मुझे आप जैसे मोमिन भाई के सहारे की जरूरत पड़ती है।
मैं जब ईमान के रास्ते में कमजोर पड़ रहा हूं, आप अपने ईमान की ताकत मेरी ईमान की ताकत से जोड़ लें। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे अपने हैं, मेरे मुआविन और मददगार बन जाएं। हम आपस में मिलकर एक दूसरे को संभालेंगे ना, आज मेरे कदम डगमगाएंगे, आप मुझे संभालेंगे, कल आपके कदम डगमगाएंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं आपका सहारा बन जाऊंगा। हम आपस में मिल के सफर तय करेंगे, अल्लाह के फजल करम से बंदगी के सफर में हम मंजिल पे साथ पहुंचेंगे। और अगर नफसी नफसी की बात अगर हमने की, आज मैं शैतान से हार जाऊंगा, कल आप दुनिया से हार जाएंगे, परसों तीसरा हमारा भाई अपने नफ्स से हारेगा। जीतेगा कौन? इबलीस जीतेगा, नफ्स अम्मारा जीत जाएगा, दुनिया जीत जाएगी, ईमान वाले हार जाएंगे। मेरे भाइयों, इसीलिए इस समाज की इस्लाह के मिशन में आपस में एक दूसरे के भाई बनो, खैरका बनो, साथी बनो, मुआविन बनो, मददगार बनो। किसी की बुराई देखो तो मोहब्बत से, प्यार से, अपनाइयत से, और अगर आप इख्तियार रखते हैं और डांटना डपटना मुफीद हो सकता है तो डांट डपट कर सुधारो, लेकिन बुराइयों पे रोको और हर अच्छाई को आम करने की कोशिश करो। नमाज के लिए जाऊं तो मैं अकेला ही क्यों जाऊं? मेरे अपने दोस्त जिनके साथ था, चलो नमाज के लिए चलते हैं। मैं अगर गुनाह छोड़ रहा हूं, मैं खुद क्यों सुधरूं? चलो मैं छोड़ रहा हूं, तुम भी छोड़ो, हम दोनों ने मिलकर गुनाह किए हैं, दोनों मिलकर बाज आएंगे, इसकी कोशिश करो। इस अंदाज से जब हम चलेंगे, मेरा और आपका समाज सुधर जाएगा। भाइयों, मुख्तसर अल्फाज में जो पैगाम देना चाहता हूँ वो यही है कि हम और आप समाज के सुधार के लिए, मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाने के लिए, मुआशरे को एक सालेह मुआशरा बनाने के लिए खुद को सुधार कर दूसरे को सुधारने की कोशिश करें। हम में से हर एक अगर पक्की ईंट बन जाएगा, हम ऐसी मजबूत ईंट बन जाएंगे कि जो बिल्कुल मजबूत है, पकी हुई ईंट है, तो फिर हमसे आपस में मिलकर जो मुआशरा बनेगा ना, जो दीवार बनेगी, वह इतनी मजबूत होगी कि बड़े से बड़े तूफान या बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर लेगी, लेकिन मुआशरा जमा रहेगा, डटा रहेगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हजरात और ख्वातीन को जो कुछ हमने कहा सुना है, कहने और सुनने से ज़्यादा इसको समझ कर अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह ताला खुद सालेह बनकर समाज के हक़ में मुसलेह बनने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين।